हैं अगली खबर की ओर। देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी के आज 49 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको लेकर भाजपा प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर काला दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पीपीपी हरियाणा के कोऑर्डिनेटर सतीश कोल ने शिरकत की और तत्कालीन इमरजेंसी जेलों में बंद परिवारों का वृत्तांत सुना तथा उसका संस्मरण भी किया। इसके साथ ही संविधान को लेकर राहुल गांधी पर शब्दों का प्रहार किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1975 से 1977 तक संविधान को ताक पर रखकर देश के साथ जो अन्याय किया और घृणित कार्य किया उसको लेकर उस समय जेलों में बंद परिवारों का वृत्तांत सुनकर स्मरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस समय जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा घृणित कार्य किया गया था तथा उनके परिवारों के साथ अन्याय किया गया था। उस समय के इसी घृणित कार्य से आने वाली पीढ़ियों को अवगत करवा रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंची तत्कालीन पीड़ित परिवार से श्री भगवान वशिष्ठ ने बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इलेक्शन के अंदर पिटीशन में हार गई थी, उसी के खिलाफ इमरजेंसी लगाई गई थी। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। कार्यकर्ता आज इमरजेंसी जो 1975 में 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी उसको काला दिवस के रूप में आज पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इकट्ठा होकर के और उस समय जिन लोगों ने इमरजेंसी के समय में 25 जून से लेकर के और 1977 तक अनेकों जेलों में जो बंद रहे उनके परिवारों को यहाँ बुला करके उनसे उनका वृत्तांत सुन करके आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबक भी ले रहे हैं कि जो उस समय इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार ने देश के साथ जो अन्याय किया, लोगों के साथ जो अन्याय किया उसका संस्मरण, आपातकालीन स्थिति जो लगाई गई थी देश के अंदर वो उस समय के ताज़ा हालात जो हैं सरकार के खिलाफ थे और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो इलेक्शन के अंदर पिटीशन में हार गई थी न्यायालय से, उसी के खिलाफ लगाई गई थी। और इसमें देश में जितने भी जो उस समय के सरकार के खिलाफ थे लोग उनके खिलाफ उनको सबको तकरीबन जेलों में डाल दिया गया था। उसमें अखबार वाले भी पीछे थे और भिवानी के परिवार तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान रहे।